नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम भारत से सभी उड़ानों की अपडेट, जो नई फ्लाइटें हैं उनकी, साथ में जितनी भी एयरपोर्ट से नई अपडेट निकल कर आ रही है, वो सब आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी एविएशन से रिलेटेड अपडेट्स आती रहती हैं। तो दोस्तों, अपनी पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर है इंडिया से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, गोवा दुबई फ्लाइट की इन्फॉर्मेशन है ये। आपको बता दें, भारत की बजट अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस ने गोवा और दुबई के बीच सीधी सेवा अपनी शुरू कर दी है। एयरलाइन में हाल ही में अपने दुबई नेटवर्क में कुछ बदलाव किए हैं। दो शहरों को हटा दिया गया है और दो नए शहरों को जोड़ दिया गया है, और अन्य शहरों से जो फ्लाइटें ऑलरेडी चल रही थी उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाई गई है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है आप लोगों के लिए रिलीफ होगा अगर आप गोवा से दुबई या दुबई से गोवा के लिए ट्रैवल करने वाले हैं, स्पेशली एयर इंडिया एक्सप्रेस के थ्रू। दूसरी खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि दिल्ली एयरपोर्ट से निकल कर आ रही है। आपको बताना चाहेंगे, दिल्ली में भारी बारिश की वजह से यहाँ पर काफ़ी सारी जो है फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है। आपको बता दें, बारिश की वजह से और कंजेशन की वजह से भी यहाँ पर फ्लाइटों को डाइवर्ट किया गया है। और रिपोर्ट के अनुसार कुल 9 उड़ानों को एयरपोर्ट से, दिल्ली एयरपोर्ट से जयपुर एयरपोर्ट पर जो है डाइवर्ट किया गया है, जिसमें कि विस्तारा, इंडिगो जैसी एयरलाइन शामिल हैं। तो अगर आपकी फ़्लाइट इन दोनों जगहों में से कहीं के लिए है, यानी दिल्ली के लिए है, तो एक बार अपनी एयरलाइन से कनेक्ट जरूर करें। आपको बता दें, अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर लखनऊ से निकल कर आ रही है। लखनऊ में समर शेड्यूल बताया गया है, जारी किया गया है, जिसमें कि 15% जो उड़ानें हैं उसमें इंक्रीज़ किया गया है। वीकली 15% ज़्यादा उड़ानें होंगी अब, और इस समर लखनऊ हवाई अड्डे से करीब यहाँ पर 15% बढ़ाया गया है। इसी के साथ नई एयरलाइन अकासा एयर अहमदाबाद, गोवा और बेंगलोर के बीच जो है डेली फ्लाइट ऐड करने जा रही है। साथ ही टाटा ग्रुप की एयरलाइंस एयर इंडिया और एयर एशिया इंडिया भी अपनी जो है सेवाओं में जो है वृद्धि करने जा रही है। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि पुणे से निकल कर आ रही है। आपको बता दें, पुणे के लोहगांव एयरपोर्ट में सभी यात्रियों के लिए 31 मार्च से डीजी यात्रा पहल की विस्तार किया जा चुका है, मतलब शुरू होने जा रहा है। सफल परीक्षण के बाद अधिकारियों ने फैसला लिया कि भाई मार्च के एंड से पुणे एयरपोर्ट से उड़ान लेने वाले सभी यात्रियों के लिए जो है ये सेवा जारी कर दी जाती है। आपको बता दें, पुणे एयरपोर्ट पर मौजूद टर्मिनल प्रवेश और सुरक्षा अनुमति प्रणाली के साथ डीजी यात्रा पहल उपलब्ध होगी। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंस मिलेगी। आपको बता दें थोड़ा विस्तार में, कि डीजी यात्रा के माध्यम से यात्री डेटा को विभिन्न चेक पॉइंट्स पर स्वचालित रूप से प्रोसेस कर सकते हैं। चेहरे की पहचान की एक यहाँ पर अहम बिंदु है, इसीलिए सुरक्षा जांच केंद्रों में इसका काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। यात्री डेटा स्वचालित रूप से प्रोसेस किया जाता है, जिसमें समय कम लगता है। पुणे एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बताया कि 31 मार्च से पुणे एयरपोर्ट पर डीजी यात्रा ऐप द्वारा सुविधाजनक जो है फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम को भी लगा दिया जाएगा। अगली खबर और अंत में बात करते हैं मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। आपको बता दें, मैंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपना यहाँ पर नई जो समर शेड्यूल है वो लागू किया गया है 2023 के लिए, और इस नए शेड्यूल में शहर पटना को भी जोड़ने जा रहा है। इंटरनेशनल यात्रियों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस 28 अक्टूबर तक जो है अपनी जो उड़ानें हैं वो चलाने वाली है। हर हफ्ते 29 उड़ानें एयर इंडिया एक्सप्रेस चलाने जा रही है। तो इसी के साथ इस वाली वीडियो को एंड करते हैं। कैसे लगी आपको, कमेंट करके बताइए। अगर आपका कुछ भी सवाल, सुझाव या सजेशन है, आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंडियन गुरु, मैं हूं आपका दोस्त नायक, मिलता हूं नेक्स्ट वाली जानकारी के साथ। टिल दिन जय हिंद, वंदे मातरम।